बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल है कि कुर्बानी के गोश्त को कुर्बानी करने वाले शख्स को दिया जा सकता है या नहीं। कुर्बानी का गोश्त उनको देना दुरुस्त है जो ख़ुद कुर्बानी कर रहे हों। ताहम कुर्बानी के गोश्त की तकसीम में मुस्तहब ये है कि उसे तीन हिस्से किए जाएं। एक हिस्सा अपने और अहले खाना के लिए रखे, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए रखे, जबकि तीसरा हिस्सा ज़रूरतमंदों पर सदका करना अफजल है। लिहाजा कुर्बानी करने वालों को गोश्त देना हो तो बेहतर ये है कि अपने अजीज़ और अकरबा और दोस्त वाले हिस्सों में से दे दे, सदके वाले हिस्से में न दे तो बेहतर है। एक सवाल है कि एक बकरी कुर्बानी के लिए पाला था, वो मर गई, तो क्या बकरी का ही कुर्बानी देनी होगी या गाय या ऊँट की कुर्बानी बदले में दी जा सकती है। अगर आप साहिब निसाब यानी मालदार हैं, यानी आप पर कुर्बानी वाजिब है, और कुर्बानी से पहले बकरी मर गई हो, तो बकरी मर जाने के बाद भी आप पर कुर्बानी वाजिब बरकरार रहेगी। अलबत्ता आपको इख्तियार है, चाहे ऊँट गाय वगैरह में हिस्सा लेकर कुर्बानी कर दें या दोबारा बकरी ही ख़रीद कर कुर्बानी कर दें। और अगर अय्याम कुर्बानी गुजर गए यानी कुर्बानी के दिन गुजर गए तो उसका कीमत सदका करना लाजिम होगा।